दोस्तों आज आपको हम मुजफ्फरपुर जिले की उन जानकारियों को शेयर करने वाले हैं जिसे आप नहीं जानते होंगे एवं यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटी है उसे दबा दीजिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो जानकारी वाला डालेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। मुजफ्फरपुर जिला बिहार के 38 जिलों में से एक है जिसकी कुल आबादी 48,01,062 है। यह जिला 3,173 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जिले में कुल आबादी का 84% हिंदू एवं 15.53% मुस्लिम आबादी निवास करती है। यह जिला तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का सबसे बड़ा वाणिज्यिक एवं शैक्षणिक केंद्र है। यह जिला शाही लीची के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पटना एवं पूर्वी चंपारण के बाद यह जिला बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। यह जिला मिथिला का हिस्सा था एवं देवी सीता के पिता राजा जनक ने यहाँ पर शासन किया था। इस क्षेत्र को तिरहुत भी कहा जाता है। तिरहुत मिथिला का दूसरा नाम है। मिथिला बाद में दरभंगा महाराज के नियंत्रण में चला गया। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर शहरी है। मुजफ्फरपुर अपनी कला एवं संस्कृति के लिए भी मशहूर है। मिथिला चित्रकारी क्षेत्र की प्रसिद्ध कला है। इस क्षेत्र में लोग दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ एवं सामचकेवा धूमधाम से मनाते हैं। यह जिला गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती के किनारे बसा हुआ है। मुजफ्फरपुर का वर्तमान नाम ब्रिटिश काल के राजस्व कर्मचारी मुजफ्फर खान के नाम पर पड़ा। मुजफ्फरपुर में मुख्य रूप से लीची की खेती होती है जो 25,800 हेक्टेयर क्षेत्र में 3,00,000 टन उत्पादन करती है। यहाँ की शाही लीची विदेशों में भी भेजा जाता है। इस जिले में कई छोटे बड़े उद्योग स्थापित है। 2017 में मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी के लिए चयनित किया गया था। अपने उर्वरक भूमि एवं स्वादिष्ट फलों के स्वाद के लिए देश एवं विदेशों में इसको स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर स्थित थर्मल पावर देश के प्रमुख बिजली उत्पादन केंद्रों में एक है। यह जिला महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस, जुब्बा साहनी जैसे क्रांतिकारियों की कर्मभूमि रही है। 1930 के नमक आंदोलन से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय तक यहाँ के क्रांतिकारियों के कदम बढ़ते रहे हैं। मुजफ्फरपुर में मुस्लिम एवं हिंदू सभ्यताओं के मिलन स्थल के रूप में भी देखा जाता है। पर्यटन स्थलों की बात करें तो इस जिले में कई पर्यटन स्थल है। जुब्बा साहनी पार्क, बाबा गरीबनाथ मंदिर सहित खुदीराम बोस स्मारक एवं कई प्रमुख खानका एवं मजार हैं। प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करें तो यहाँ की स्वाति शर्मा, ऐश्वर्य निगम, संविधान सभा के सदस्य महेश प्रसाद सिन्हा, राम दयालु सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस एवं जयनारायण निषाद प्रमुख हैं। शिक्षण संस्थानों की बात करें तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, MIT एवं अन्य मुख्य हैं। यातायात सुविधा की बात करें तो यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा पटना है। मुजफ्फरपुर भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रमुख जंक्शन है। दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटी है उसे दबाइए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद।